नमस्कार, मैं संगीता। डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं, ठंड के मौसम में बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। तो ये लिया है मैंने 1/4 कप बेसन और 1/2 कप दही, और हम अच्छे से फेंट लेंगे। दही के साथ हमने बेसन को बहुत अच्छे से फेंट लिया है, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो अब हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये 1/2 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लिया है गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच लिया है मैंने धनिया पाउडर। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और फेंटते जाएंगे। तो बेटर हमारा तैयार हो गया है, मिश्रण हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। हम साइड में रखते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रख दिया है कढ़ाई गर्म होने के लिए, और डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल। मैं सरसों का तेल ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप जो तेल खाते हैं आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पे पंचफोरन, साथ में डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हींग। पंचफोरन हमारा हो गया है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और मिर्चे का पेस्ट, और चला देंगे। और हम डाल देंगे प्याज, ये 1 प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, एकदम पतला सा काटा है। और यहीं पे डाल देंगे हम 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से चीरा लगा कर ले लिया है, और करी पत्ता डाल देंगे। और चला देंगे। तो दोस्तों, प्याज हमारा ब्राउन कलर का हो गया है, तो अभी हम जो बैटर तैयार करके रखे हैं डाल देंगे। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं। चलाते हुए हम 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो दोस्तों, गाढ़ा होने तक हमें पका लेना है। तो अब हम यहीं पे डाल देंगे ये मटर, फ्रेश मटर लिया है मैंने, और चला लेते हैं। अच्छे से हम चला लेंगे और अपने हिसाब से पानी डालेंगे हम, जितना आप पसंद करते हैं गाढ़ा खाना। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से चला लेते हैं एक बार से। तो यहाँ पे दोस्तों, हम पानी अपने हिसाब से मैंने डाल दिया है, और डाल देते हैं यहीं पे स्वाद के अनुसार नमक। और हम मटर को पक जाने तक और बेसन का कच्चापन चले जाए इतना हमें पका लेना है। तो दोस्तों, कढ़ी हमारी पक गई है, और देख लेते हैं हम, मटर हमारी बिल्कुल गल गई है, ये देखिए। तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम कढ़ी का तड़का तैयार कर लेते हैं। तो सरसों का तेल लिया है मैंने, थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, डाल देते हैं सूखे खड़े लाल मिर्च, और थोड़ा सा हम पकने देते हैं। मिर्च हमारी हो गई है, पक गई है, तो डाल देंगे हम करी पत्ते, और गैस को ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, और डाल देते हैं हम लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और चला लेंगे थोड़ा सा। और अब हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे, और यहीं पे डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया। धनिया जरूर डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिला लेते हैं धनिया को भी हम। तो दोस्तों, कढ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके, और अब हम सर्व कर लेते हैं। चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, गर्मा गर्म कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है, और बहुत टेस्टी कढ़ी बनी है। मटर की ये कढ़ी आप एक बार से जरूर बनाकर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इस विंटर ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना एकदम लाजवाब और लजीज सा। तो दोस्तों, मेरे बनाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।